हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंकुश। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे। 1000 प्लस की ये सीरीज होगी और ये हमारा सेट वन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला हमारा ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की कोई पोएम है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहते हैं सोनेट। एक तरह का गीत होता है। अगर आप इंग्लिश लेक्चर पढ़े होंगे आपने सोनेट के बारे में सुना होगा। ये 14 लाइन की एक पोएम होती है। अगला हमारा वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में विश्वास करता है वो होता है हमारा थिस्ट, आस्तिक व्यक्ति। आस्तिक जो व्यक्ति होता है उसी को भगवान में विश्वास होता है, ठीक है। इसके अलावा एक नास्तिक होता है जिसकी स्पेलिंग होती है ATHEIST, एथिस्ट, ठीक है। वो नास्तिक व्यक्ति होता है, उसको भगवान में विश्वास नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज स्किलफुल, जिसको स्किल आते हों तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रस, निपुण व्यक्ति, ठीक है। कोई निपुण व्यक्ति ही स्किल जानता होगा। नेक्स्ट हमारा ए मोर्नफुल पोएम और ए सॉन्ग, यानी एक दुखी सॉन्ग बोल सकते हैं, एक शोक गीत, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। तो ये आपको याद रखना है, एल्गी पोएम होती है, उसके अंदर क्या होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका एक शोक गीत गाया जाता है, ठीक है। एक पोएम लिखी जाती है उसके ऊपर या फिर कोई सॉन्ग गाया जाता है तो हम उसको बोलेंगे एल्गी। नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, जो प्रचलन से बाहर चला जाए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, जो अभी प्रचलन में नहीं चल रहा। नेक्स्ट हमारा वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को लिखता है उसको हम बोलेंगे लेक्सियोग्राफर। जो ग्राफर आपने देखा होगा, फोटोग्राफर, फोटो खींचने वाला, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कर रहा होता है ये व्यक्ति, कुछ कलेक्ट कर रहा होता है, निर्माण कर रहा होता है, तो लेक्सियोग्राफर होता है कोश का निर्माण करने वाला, डिक्शनरी का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट है हमारा फेवरेटिज्म शोन बाई ए पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, जो अपने संबंधियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ही जो फेवरेटिज्म शो करता है, दिखाता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो अपने सगे संबंधियों को ही काम देता है, ठीक है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उसको हम बोलेंगे नेपोटिज्म। ये वर्ड पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में था, नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद। जैसे आप राजनीति में देखोगे, अगर कोई पॉलिटिशियन है उसका बेटा ही पॉलिटिशियन बनता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर नेपोटिज्म चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ए पीस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जो पानी के जहाज होते हैं वो कहाँ पर ठहरते हैं, हार्बर, बंदरगाह बोलते हैं उनको हिंदी में, हार्बर पर ठहरते हैं। नेक्स्ट हमारा ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, जहाँ पर धन गढ़ा होता है, दबा होता है, उसको हम बोलेंगे मिंट, ठीक है। तो एक गड्ढा जहाँ पर धन दबाओ उसको हम मिंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रबल एनी अनोय कंटिन्यूसली, ट्रबल होता है परेशानी, ठीक है, तो किसी को लगातार परेशान करना क्या होता है, हरेस, ठीक है। तो आपने ये चीज़ पता होगा, हरेसमेंट का केस कर दिया किसी के ऊपर, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई उसको लगातार परेशान कर रहा है। नेक्स्ट हमारा ए पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, जो उस व्यवसाय के अंदर नया है उसको हम बोलेंगे नोविस या फिर नौसिखिया व्यक्ति। अगला हमारा स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के कोई स्पीच देना, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेम्पोर, अचिंतित, यानी जो चिंता नहीं करता और बिना किसी सोचे समझे कोई स्पीच देता है। दैट ऑफ किलिंग ए किंग, एक राजा को मारने वाला कार्य, इसको हम बोलेंगे रेजिसाइड, राजहत्या। देखिए जो साइड होता है ना, ये आपको हर जगह, कई जगह पर मिलेगा, साइड का मतलब ही होता है किसी की हत्या कर देना, जैसे होमोसाइड, पेट्रोसाइड, ठीक है ना, इस तरह से। तो रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा की हत्या हो जाना। नेक्स्ट हमारा ए ब्रीफ और ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, जहां पर हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं उसको हम बोलते हैं सोजरन, ठीक है, डेरा डालना। तो जो डेरा डालते हैं वो परमानेंटली वहाँ पर नहीं रहते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा बिलोंग टू सेम पीरियड, एक ही काल से संबंध रखने वाला,
इसको हम बोलेंगे कॉन्टेम्परेरी, समकालीन व्यक्ति, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।